नमस्ते दोस्तों, आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो दुनिया भर के लाखों लोगों के दिलों को छूती है, खासकर डिजिटल और क्रिप्टो कम्युनिटी वालों के दिलों को। ये कहानी है एक कुत्ते की, लेकिन किसी भी कुत्ते की नहीं। ये कहानी है काबोसू की, उस शिबा इनू की जो डोगे मीम का चेहरा बनकर दुनिया भर में मशहूर हो गया। काबोसू एक कुत्ते का नाम है जो एक शिबा इनू नस्ल का है। काबोसू की तस्वीरें सबसे पहले 2010 में इंटरनेट पर वायरल हुई। ये तस्वीरें काबोसू की मालकिन अत्सुको सातो ने ली थी और अपने ब्लॉग पर पोस्ट की थी। काबोसू की एक विशेष तस्वीर जिसमें उसका चेहरा थोड़ा सा तिरछा है, इंटरनेट पर बहुत लोकप्रिय हो गई। इस तस्वीर को डोगे कहा जाने लगा और इसे विभिन्न मजेदार कैप्शन के साथ शेयर किया जाने लगा। डोगे की लोकप्रियता के कारण यह तस्वीर इंटरनेट पर एक मेम के रूप में पहचानी जाने लगी। 2013 में डॉजकॉइन नामक एक क्रिप्टोकरेंसी लॉन्च की गई जो इसी मेम पर आधारित थी। डॉजकॉइन की शुरुआत मजाक के रूप में हुई थी, लेकिन यह जल्दी ही एक वास्तविक और लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी बन गई। इस तरह काबोसू का चेहरा डोगे मेम के जरिए डॉजकॉइन का प्रतीक बन गया और इंटरनेट पर बहुत प्रसिद्ध हो गया। बट नाउ दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि 17 साल की उम्र में काबोसू अब हमारे बीच नहीं है। उसकी मालकिन अत्सुको सातो ने यह दिल तोड़ने वाली खबर कुछ ही दिन पहले एक ब्लॉग पोस्ट में शेयर की। काबोसू सिर्फ एक मीम नहीं था, वो एक सच्ची खुशमिजाज जान थी जिसने दुनिया भर के लाखों चेहरों पर मुस्कान ला दी। उसकी तस्वीर सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं रही, इसने डॉजकॉइन को जन्म दिया, एक ऐसी क्रिप्टोकरेंसी जो मस्ती और कम्युनिटी की भावना के साथ ऊपर उठी। इसे शिबा इनू का असर बहुत गहरा है, उसने डिजिटल और असली दुनिया को एक साथ जोड़ा, हमें हमारे स्क्रीन के जरिए हंसी और प्यार में एक किया। आज जब हम काबोसू को याद करते हैं तो चलिए उसके जाने के दुख पर ध्यान ना दें, बल्कि उस खुशी और एकता का जश्न मनाएं जो वो हमारी जिंदगियों में लेकर आई। सोशल मीडिया पर दुनिया भर से श्रद्धांजलि की बाढ़ आ गई है। लोग बता रहे हैं कि काबोसू उनके लिए कितना मायने रखता था। आगे बढ़ते हुए चलिए काबोसू की भावना को अपने दिलों में संजो कर रखें, उसे सिर्फ एक मीम के तौर पर नहीं बल्कि खुशी और एकता के प्रतीक के तौर पर याद करें। शुक्रिया काबोसू उन सारी मुस्कानों के लिए, तुम्हें बहुत याद किया जाएगा लेकिन कभी भुलाया नहीं जाएगा। जुड़े रहिए ऐसी और कहानियों के लिए जो जोड़ती हैं और प्रेरित करती हैं। अपना ध्यान रखिए सब लोग।